click on subscribe. Now click on the bell button for notification. Thank you guys watching my video. Namaskar dosto, main hu Sourav, aap dekh rahe hain TechMech channel ko. Subscribe kar lijiye kyunki latest technology aur science ki video mere channel mein dekhne ke liye aapko channel ko subscribe karna zaruri hai. Aur aajkal jo automobile ki video aa rahi hai wo aap dekh sakte hain, interesting ho rahe hain. To last jo video tha internal combustion engine, wo video aap dekh sakte hain. To main explain kiya tha kaise kaam karti hai internal jo combustion engine hai. To next video mein aap dekhenge ki टू स्ट्रोक इंजन कैसे काम करती है, फोर स्ट्रोक इंजन कैसे काम करती है. तो आज जो टॉपिक है वो है लुब्रिकेशन ऑयल क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल किस में इस्तेमाल किया जाता है, क्यों हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को इस्तेमाल में लेते हैं. तो चलिए देखते हैं. देखिए टू मेटल सर्विस के अंदर जब चलती है, ठीक है, मानिए कोई गाड़ी का व्हील हो गया, बियरिंग हो गया, तो जो मेटल सर्फेस घूमती है एक साथ और साइड बाई साइड मूव करती है और रोटेट करती है, तो दोनों चीज सेम ही है. एक साइड बाय साइड हो रहा है, एक सीधा हो रहा है, रोटेशन हो रहा है. तो ऐसे करके जो मूव करती है उससे आपको क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन होने से धीरे धीरे क्रोशियन होता है उस मेटल सरफेस के अंदर, मेटल सरफेस धीरे धीरे नष्ट हो जाती है. तो इससे आपको बहुत सारे तकलीफ हो सकती है. जैसे मानिए आप वॉच यूज करती है, वॉच भी घूमती है, वो एक मशीनरी चीज होती है, उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स लगा होता है उसके अंदर भी लुब्रिकेंट देना जरूरी होता है. जैसे मानिए जो क्लॉथिंग मशीन है जिससे आपको क्लॉथ को बनाती है, वो मशीन के अंदर भी लुब्रिकेशन सिस्टम देना पड़ती है, क्योंकि वो भी मूव करती है, उसके अंदर भी जो बियरिंग होता है, ठीक है, बियरिंग मूव करती है, तो उसके अंदर भी आपको लुब्रिकेशन सिस्टम मतलब ऑयल देना पड़ती है. और आपका गाड़ी हो गया, गाड़ी का जो गियर पेनियम है, पिस्टन वगैरह, वाल्व वगैरह, सब के अंदर आपको लुब्रिकेशन देना पड़ता है. जो चेन होता है, चेन रोटेट करती है, तो ऐसे करके आपको सब जगह पे ये देना पड़ती है, क्योंकि क्रोशियन से बचा के रखना पड़ता है. और आपको जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे भी आपको क्रोशियन हो सकता है. इसलिए आपको जब वो सूखा हो जाता है, रफ हो जाता है सरफेस, तो इससे आपको वो टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इससे आपको बहुत कॉस्टली हो सकता है. मानिए कि एक पिस्टन का कॉस्ट बहुत पड़ जाता है, एक ईयर पेनियम चेंज करने के लिए वे कॉस्ट बहुत महंगा हो जाता है. तो आपको ध्यान रखना हो कि अब लुब्रिकेशन ऑयल को यूज करे, चेंज करे. जैसे गाड़ी में लुब्रिकेशन ग्रीस यूज करते है, पेट्रोलियम टाइप का यूज करती है, ठीक है, तो आईसी इंजन में क्या वो आपको दूसरे टाइप का जो सॉलिड लुब्रिकेंट है जो वो यूज करती है, ठीक है. तो ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप का लुब्रिकेंट है तो वो सब यूज करती है. जैसे आपका वॉच में कोई पाम नट का ऑयल यूज करती है, ऐसे करके आपको सी में जो सी ऑयल जो पाए जाते हैं मछली के अंदर से, वो सब हेजलनट ऑयल, तो ये सब यूज करती है. इससे आपको क्या होती है, गाड़ी का जो जब बियरिंग होता है, जो मूविंग पार्ट्स है, मतलब आपका व्हील का जो एक्सेल होता है उसमें भी देना पड़ता है, क्योंकि वो भी मूव होता है. मूव होने से फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन जब पैदा होती है आपको क्रोशियन होगा, क्योंकि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, हीट इन्वेस्ट, हीट प्रोड्यूस होने से आपको नष्ट हो जाती है. तो ऐसे करके आपको उसमें लुब्रिकेशन बराबर देना पड़ता है. और बहुत सारी चीजें, जैसे मानिए जो रोपो होता है, रोपो जाता है, उसके एक वायर होता है, ठीक है, वायर के ऊपर भी एक पेनियम सिस्टम, मतलब वो जो घूमती है, घुमाती है, व्हील टाइप का सिस्टम है, जिसके अंदर भी आपको लुब्रिकेशन देना पड़ती है, नहीं तो वो बहुत आवाज मतलब नॉइस करती है और रुक रुक के जाती है, क्योंकि उसका जो गियर भी पेनियम है वो धीरे धीरे क्रोशियन के अंदर से फ्रिक्शन होती है, तो क्रोशियन होता है और खैर हो जाती है, तो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, स्पीड भी आपको बहुत कम हो जाती है. गाड़ी में इस पे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको धीरे धीरे टूट भी जाएगा, स्पीड भी आपको ब्रेक हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकती है कार में, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. लुब्रिकेशन ऑयल आपको लगाना पड़ेगा. बहुत सारे कंपनीज लुब्रिकेशन ऑयल बनाती है, जैसे इंडियन पेट्रोलियम, हिंदुस्तान मोटर्स, सब कंपनी बनाती है, तो आप यूज कर सकते हैं. एचपी लुब्रिकेंट्स है, बहुत सारे है, वेल्वोलिन लुब्रिकेंट्स,
तो ये सब लुब्रिकेंट आते हैं जो कार में यूज होती है, बाइक में यूज होती है। अब चाहे तो दूसरा जो लुब्रिकेंट आप यूज करते हैं वो सब लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। और जो मशीनरी लुब्रिकेंट है उसमें तो ग्रीस तो वगैरह ये सब यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें लिक्विड टाइप का जो हल्का जो लुब्रिकेंट होता है वो यूज होती है। जैसे मानिए आप जो क्लॉथिंग मशीन है उसमें तो आप मोबिल टाइप के यूज नहीं करें, क्योंकि उसमें आपको जो कॉटन का हम टी शर्ट शर्ट बनाते हैं उसमें आपको दाग लग सकते हैं, इसलिए उस पर हेजलनट ऑयल ऐसे करके पाम शीड ऑयल ऐसे का सब ऑयल जो लाइट ऑयल है, हार्ड ऑयल नहीं है, जिससे आपको दाग नहीं लगेगा। ठीक है, जो मोबिल है ऑयल है और ग्रीस है इसके आपको सब में दाग लग सकते हैं, इसलिए ये सब ऑयल यूज होती है। मतलब डिफरेंट टाइप का ऑयल इसमें यूज होती है, डिफरेंट टाइप का पेट्रोलियम यूज होती है, ठीक है, ग्रीस डिफरेंट टाइप का होती है। तो ये डिफरेंट करती है कि आपका इंजिन कैसा, मतलब कौन सा मेकानिज्म में आप यूज करना चाहते हैं, कार का लिए अलग डिफरेंट है। ठीक है, तो जान गए होंगे लुब्रिकेशन का इस्तेमाल क्यों होता है, ठीक है, एक कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और आप जरूर इस पर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सब चीज में मेकानिज्म में यूज होती है जो साइड बाय साइड मूव करती है। जैसे मानिए स्लाइडिंग डोर जो लॉक सिस्टम लगा होती है ऐसे करके स्लाइड में जाता है, उसके अंदर भी आप ना यूज करे तो वो डोर फंस फंस के जाएगी, ठीक है, रुक रुक के जाएगी, और इससे आपको बाद में तकलीफ भी हो सकती है। तो ऐसे करके आपको सरफेस को बहुत ही आराम से जाने के लिए आपको वहां पर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल का जरूरी होता है, क्योंकि जब भी वो सरफेस रफ हो जाता है वहां पर टूट टूट जाके वो लॉक सिस्टम नष्ट हो सकती है। ऐसे मानिए बियरिंग भी आपको नष्ट हो सकती है, पिस्टन टूट जा सकती है, घिस जा सकती है, से मानिए आपका घड़ी का जो मैकेनिज्म है अंदर का वो सब नष्ट हो जा सकती है। तो आपने जान ली होगी कि गाइस कैसे लुब्रिकेशन को आप काम में लेंगे, लुब्रिकेशन ऑयल क्या है, वो तीनों टाइप में आती है, सेमी लुब्रिकेंट है, एक सॉलिड लुब्रिकेंट है, ऑयल टाइप लुब्रिकेंट है, उसके अंदर ग्रीस है, ठीक है, मोलिब्डेनम है आपको मिलता है, और ग्रीस हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, और आपको जो मोबिल टाइप का आता है पेट्रोलियम हो गया, हेजलनट सीड्स पाम ऐसा जो सीज मतलब समुद्र से जो सब ऑयल निकलती है वो सब भी यूज होती है। ठीक है, तो घर्षण का रोध जो है रोध प्रतिरोध करती है, घर्षण होती है ना फ्रिक्शन होती है उसका प्रतिरोध करती है और आपको सुविधा करती है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज उससे आपको बचाती है। तो गाइस लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, समझने में आसानी होगी ये वीडियो देख के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि कैसे लगा, और जो चीज मैं छोड़ गया हूँ बोल दीजिए, तो मैंने फिर से अलग से एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।